फर्स्ट क्वेश्चन में वी आर हैविंग ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स. अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन आप इसको y इज इक्वल टू की फॉर्म में लिख सकते हो, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. अब यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज u बाई v फॉर्म, तो y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे u बाई v का आप फॉर्मूला लगा दोगे, दैट इज v स्क्वायर यानी कि साइन x का स्क्वायर, एंड देन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, जब अपॉन में है u बाई v है, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाते हो, दिस इज देन आपका u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, दैट इज cos x. सो यू कैन राइट इट डाउन एज ई टू द पावर एक्स, आप कॉमन ले सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो आपका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी ई टू द पावर एक्स इनटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में वी आर हैविंग फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स. अब देखो यहाँ पे वही चीज आ गई, ई टू द पावर एक्स के अलावा कुछ और है, दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव आपने लेना है साथ में. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आप करोगे तो वाई डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. ये फर्दर चीज जो है मोस्टली यहाँ पे बच्चों की गलती होती है, यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस. अब ये आपका ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपका वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. देन थर्ड क्वेश्चन, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. अगेन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज टू एक्स. तो ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, साइन ऑफ टैन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स. साइन ऑफ टैन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, पहले आप साइन का डेरिवेटिव लोगे. चलिए आप साथ साथ मुझे बताते जाओ जो जो मैं पूछ रही हूँ. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन. साइन का डेरिवेटिव Anyone of you can unmute? एक दूसरे को मत देखा करो कि वो अनम्यूट करके बता देगा, मुझे क्या जरूरत है. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. तो साइन की जगह ये आ गया कॉस, और ये एज इट इज. नाउ दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल, तो इसका डेरिवेटिव. अब टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होते हैं, वट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स. बेटा मेरे पास यहाँ वॉल्यूम फुल है बट आप लोगों की आवाज नहीं सुन रही मुझे. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स, कल किया है हमने. इट मींस आपने होमवर्क पार्ट्स नहीं किए इफ यू आर अनेबल टू टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स, क्योंकि मोस्टली जगह पे हमने एक्स को टैन थीटा ही पुट किया था. तो यहां से पता लग रहा है यू पीपल हैवंट डन द होमवर्क. हर प्रणाम एंड अंशिता and Bhumika, today you will send me your this classwork ke jitne bhi humne questions kiye hain that you will send me, or right after the period ke baad next period ke liye you will be having 5 minutes, so in between that meantime you are to send me your work. Tan inverse ka jo derivative hai that is 1 upon 1 plus x square. अब यहाँ पे x की जगह मेरे पास क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर ले लिया,
इनटू दिस ई टू द पावर माइनस एक्स जो है दैट इज फर्दर डिफरेंशिएबल, तो इस ई टू द पावर माइनस एक्स का आप फिर से डेरिवेटिव ले लोगे, दैट इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो हमारा ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ये माइनस का साइन आप आगे ले जाओगे एंड दैट विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। प्लस का साइन है यहाँ पे बीच में, तो हर एक का अलग अलग लेना है। ई टू द पावर एक्स का आपका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप इस तरीके से निकालोगे, देन सेम वे में ई टू द पावर एक्स क्यूब, ई टू द पावर एक्स टू द पावर फोर एंड ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव, और बीच में सबके प्लस का साइन है तो सभी डेरिवेटिव्स आपके एड हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट ई टू द पावर रूट एक्स। स्टेटमेंट को आपने हमेशा क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन टफ ना लगे। नाउ द क्वेश्चन इज रूट ई टू द पावर रूट एक्स, वेयर अगेन क्योंकि एक्सपोनेंट है तो एक्स ग्रेटर देन हमें जीरो गिवन है, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन से पहले हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज ई टू द पावर रूट एक्स रेज टू पावर हाफ। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्योंकि ये पावर बन रही है तो सबसे पहले मैं पावर फॉर्मूला यूज करूंगी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वाई डैश मैंने लिख दिया यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह, तो वाई डैश इज इक्वल टू, अब ये हाफ आपका आगे आ जाएगा, हाफ इन टू ई टू द पावर रूट एक्स हाफ माइनस वन दैट इज माइनस हाफ। यहाँ पे मैंने पावर फॉर्मूला लगा दिया, देन ये क्योंकि फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इन टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव बना दोगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये आपका, तो दिस इज वन अपॉन टू ई टू द पावर रूट एक्स रेज टू पावर वन बाई टू इन टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। ई टू द पावर रूट का जब आप डेरिवेटिव लेते हो, ई टू द पावर एनीथिंग डेरिवेटिव इज ई टू द पावर दैट थिंग ओनली, तो रूट एक्स एज इट इज आ गया, इन टू क्योंकि ये रूट एक्स आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स अब तक आपको याद होना चाहिए, दैट इज टू रूट एक्स, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे, दिस इज ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन टू इंटू टू इज फोर, ई रेज टू पावर रूट एक्स रेज टू पावर हाफ, तो इसको मैं हाफ जो पावर थी रूट बना दिया, ई रेज टू पावर एक्स आपका एज इट इज आ गया विद रूट, और यहाँ पे ये रूट एक्स है तो आप चाहो तो इसको इसी रूट के नीचे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसके लिए अलग रूट भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। अब हम लॉग वाले क्वेश्चंस करेंगे, सो द नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ ध्यान दो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास वन बाई एक्स होता है, बट यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग एक्स है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर एट, ये आपका सेवेंथ था नॉट फिफ्थ। log of log x, again differentiating both sides, log x का जो हमारे पास derivative होता है that is one upon x, अब log of ये पूरा मैं x की जगह मान लूंगी तो one upon x यानी कि one upon क्या हो जाएगा log x, log ये वाले का derivative one upon जो भी इसके साथ था वो as it is आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाला log x आपका further differentiable है तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, सो दिस इज वन बाय लॉग एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा, इनटू इस वाले लॉग एक्स का जब आप डेरिवेटिव लोगे दैट इज वन अपॉन एक्स, यानी कि आपका आंसर आ गया वन बाय एक्स लॉग एक्स। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब यहाँ पे u by v फॉर्म बन रही है तो u by v फॉर्म अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव्स लेंगे हम, चलिए वंशिका u by v फॉर्म पहले बताइए इसकी क्या बनेगी। यस मैम, हम डिनोमिनेटर में log x का स्क्वायर, यस देन डेरिवेटिव ऑफ cos x,
डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया इनटू लॉग एक्स. वेरी गुड. माइनस कॉस एक्स. यस. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स. यस. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x. तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स. अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू दिस पॉइंट ऑल्सो. नाउ मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर गिवन कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0. अब ये क्वेश्चन मुझे आर्यन विल यू ट्राई. आर्यन पंचा cos of log x plus e to the power x where x is greater than 0. Haan ji Aryan, unmute yourself bache. Yes Dhruv. Main pehle cos x ka derivative le lenge. Haan ji kya aayega? माइनस साइन एक्स. एक्स की जगह आएगा लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स. बिल्कुल ठीक है. आगे लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव. यस. नेक्स्ट आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? 1/x. 1/x ई टू द पावर एक्स सेम ई टू द पावर एक्स. 1/x plus e to the power x. So this is your answer. So ये आपके कुछ क्वेश्चन से log के बेस क्वेश्चन से जो हमने किए. अब सेम जो है we are having 4 minutes, so I won't be able to give the introduction of the next topic क्योंकि वो important है और उस type का आपका question एक जो है वो आता ही आता है. चलो let us try. अगर हो जाता है तो well and good. यहाँ पे आपके जो log वाले आप कंसेप्ट यूज करते थे वो करेंगे. अब जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 शुरू करवा रही हूँ मैं. फर्स्ट क्वेश्चन इसका मुझे गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन में आई एम गिवन कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x. वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x. अब देखो यहाँ पे आपकी तीन फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे अगर चाहें तो u इंटू v इंटू w वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डेरिवेटिव का. जैसे आपने 2 वाला किया हुआ है u इंटू v वाला किया हुआ है, सेम वे में ये आपका फॉर्मूला होता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो टर्म्स को एट अ टाइम एज इट इज रखते हैं, थर्ड का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. like, मैंने पहले u और v को कॉन्स्टेंट रखा, डेरिवेटिव ऑफ w ले लिया. फिर मैंने u और w को कांस्टेंट रखा, v का डेरिवेटिव ले लिया. फिर मैंने v और w को कांस्टेंट रखा और u का डेरिवेटिव ले लिया. तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहें तो यू कैन डू. बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे 4 या 5 टर्म्स आ जाती हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है, हम यहाँ पे लॉग वाले फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे. तो ये आपका बन जाएगा लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x. आपने बच्चे एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आप डायरेक्टली सिर्फ तभी करोगे अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अगर यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कोई और साइन आ जाता है तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना. अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया लॉग ऑफ एम इंटू एन इंटू पी. अब ये आपको पता है दिस इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी. सेम हम यहाँ पे लगाएंगे लॉग एम
प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी. तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट लगा के देन यू विल टेक द डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी. ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस थ्री एक्स. अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे. डेरिवेटिव वन बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हो. ये ध्यान रखो. अब लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन यहाँ पे कॉस एक्स, ये फर्दर डिफ्रेंशिएबल है तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. प्लस सेम वे में लॉग ऑफ कॉस टू एक्स है तो वन बाय कॉस टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स इज फर्दर डिफ्रेंशिएबल तो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका माइनस टू साइन टू एक्स. देन कॉस थ्री एक्स लॉग ऑफ वन बाय कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इज फर्दर डिफ्रेंशिएबल सो दिस इज माइनस थ्री साइन थ्री एक्स. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाले तीनों माइनस साइन के साथ हैं बाहर ले लो और आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो ये आपका वन अपॉन वाई है उसको आप इधर ले आओगे और वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे. ये बन जाएगा आपका वाई विद माइनस साइन. ये तीनों का मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया. यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज रहने दिया. वन अपॉन वाई इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा. ये वाला नेगेटिव साइन इन तीनों में से बाहर लिया और इनको आप एज इट इज लिख दोगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स. इफ यू वांट तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू टेन आल्सो प्लस टू साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स. अब यहां एक चीज का अगेन ध्यान रखना है, इस वाई को आपने रिप्लेस करना है. वाई हमें किसके इक्वल गिवन था, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स. यहाँ पे ये भी गिवन नहीं था, मैंने खुद से वाई इक्वल टू मानना था तो इसलिए यहाँ ये वाला जो वाई है अब लास्ट स्टेप में आपने इसको रिप्लेस करना है कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स से. इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स. तो दैट विल बी योर आंसर. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 5.4. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू टूमोरो. There is no homework part from this exercise, but from exercise 5.4, you are to do the last four questions, 7 to 10, 7th, 8th, 9th and 10th. These four questions you are to do as your homework part. 9th B standard students, bache, you will rejoin the meeting.